Hi everyone, good evening and you all are most welcome. कैसे हैं सब गाइस? फिट एंड फाइन? सब कुछ बढ़िया चल रहा है जिंदगी में? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. और आज है हमारी क्लास काफी स्पेशल, वन ऑफ द बेस्ट क्लास गाइस होगी आपके लिए. और ये क्लास है यार गेट एग्जाम पर बेस्ड. बेसिकली गाइस, गेट एग्जाम से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं गेट एग्जाम के लिए आपको कुछ नया करने वाला हूं या न्यू क्लासेस देने वाला हूं. जस्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर, राइट, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको काफी अच्छा नॉलेज मिले गाइस. यस, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन विद दिस वन. जी, पिछला जो आपका एग्जाम हुआ जस्ट, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं, बाय द वे, इफ यू आर यूजीसी नेट एस्पिरेंट, सो देन आपको कोई भी वरीड होने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू बी वरीड. आपको गाइज ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. एंड अभी मैंने रिसेंटली आपके लिए एक एमए इंट्रेंस का गाइज, जामिया एमए इंट्रेंस पेपर रिसेंटली मैंने गाइज प्रीवियस वीडियो जो किया था, सो यू ऑल आर फेमिलियर गाइज. उसी टाइप का पैटर्न गेट का भी है, जो मुझे लगता है, जो मैं समझता हूं गाइज, कि गेट का भी पैटर्न कुछ वैसा ही है. एंड इफ यू आर यूजीसी नेट एस्पिरेंट, सो बिल्कुल गाइज परेशान होने की जरूरत आपको एक भी नहीं है गाइज. बिल्कुल भी एक भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इजिली गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं. यस, आई एम टेलिंग यू. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन यू यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. Which of the following text is a collection of stories that a group of pilgrims tell each other? गाइस, ये पहला वाला क्वेश्चन है. गॉट इट? एंड बाकी अगर जो आपको लगे तो आप लोग बाकी बाद में रिस्पॉन्स करते रहिएगा गाइस, बताते रहिएगा, है ना? यस, सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन बेसिकली इज, यू कैन सी द राइट आंसर. देखिए, कैंटरबरी टेल ही गाइज एक ऐसा वर्क है जहां पर कहानियों वाली बात आती है. राइट आंसर इज कैंटरबरी टेल. सेफर्ड्स कैलेंडर गाइज, सो देखिए यहां पर कोई ऐसी कहानी नहीं जो एक दूसरे को बताई जा रही. पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, सो दिस इज द वर्क. देयर यू कैन नॉट सी गाइज कि ऐसा कुछ है. कैंटरबरी टेल्स गाइज, यस, दिस इज बेसिकली अ वर्क बाई ज्योफ्री चासर. एंड वेयर यू कैन सी स्टोरीज स्टोरीज बाई यू नो गाइज पिलग्रिम्स. So, ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं. राइट आंसर यही है इसका. नेक्स्ट वन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन ऑटोबायोग्राफी गाइज. अभी आपने रिसेंटली जब मैंने गाइज आपका वो एमए जामिया एमए एंट्रेंस एग्जाम, सो उसकी जो मैंने क्लास ली थी, सॉल्व कराया था गाइज आपका पेपर, सो ऑन दैट क्लास देयर वाज आल्सो अ क्वेश्चन लाइक ऑटोबायोग्राफी गाइज, बट एक वर्ड वहां पर जुड़ा हुआ था लाइक दलित ऑटोबायोग्राफी. ओके गाइस, दलित ऑटोबायोग्राफी, बट यहां पर सिर्फ और सिर्फ बायोग्राफी से रिलेटेड. आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन गाइस, सेकेंड वन क्वेश्चन है, और सेकेंड वन का आंसर है सी, मुल्कराज आनंद. गॉट इट? मुल्कराज आनंद. अच्छा, हमें ये नहीं पता गाइस, बेबी कमलेज व्हाट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था. यस, द प्रिजंस वी ब्रोक, वहां पर डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया था. ओम प्रकाश वाल्मीकि, यू ऑल आर फैमिलियर गाइज, यूजीसी के आपके एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन. यूजीसी नेट एग्जाम यू हैव सीन ना, अ क्वेश्चन वाज देयर ऑन यूजीसी नेट एग्जाम, यू नो, जूठन बाय ओम प्रकाश वाल्मीकि. सो इट्स अ बायोग्राफी गाइज, है ना? ऑटोबायोग्राफी, बेसिकली इट्स एन ऑटोबायोग्राफी. सो ये तो आप जानते. ओम प्रकाश वाल्मीकि बात गई जी अनटचेबल. अनटचेबल के बारे में आप जानते गए, इट्स 1935. बट नो गाइज, इट्स नॉट एनी ऑटोबायोग्राफी. बेसिकली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन मुल्कराज एक्सपीरियंस, ये जो वर्क है अनटचेबल, यही राइट आंसर होगा आपके लिए. राइटर्स वर्कशॉप एंड ब्लास्ट आर, सो गाइज दीज आर द पब्लिशिंग हाउस इन इंडिया दैट फोकसेस ऑन पर्टिकुलर जॉनर. लिटिल मैगजीन दैट वर सेट बाई स्मॉल कलेक्टिव्स ऑफ राइटर्स. डिजिटल आर्काइव्स ऑफ परफॉर्मेंस पोइट्री और वेल नोन रीडिंग सर्किल इन 1950s लखनऊ.
सो गाइज यू हैव दिस वन क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ गाइज. सो यू कैन सी दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली ऑन योर स्क्रीन राइट. सो राइटर्स वर्कशॉप एंड ब्लाफ्ट. सो दीज आर वॉट गाइज. सो दीज आर बेसिकली पब्लिशिंग हाउसेस इन इंडिया दैट फोकसेस ऑन पर्टिकुलर जानरा गाइज. गॉट इट? यस. सो बेसिकली गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज ये जो ब्लाफ्ट पब्लिकेशन है सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग हाउस बेस्ड ऑन चेन्नई इंडिया गाइज. यस. और जो क्राइम नॉवेल्स एंड ऑल पर फिक्स फोकस करता है एंड यू नो राइटर्स वर्कशॉप सो दिस इज कोलकाता बेस्ड और कैलकाटा बेस्ड गाइज यू नो लिटरेरी पब्लिशर फाउंडेड बाई इंडियन पोएट एंड ऑल गाइज है ना. स्कॉलर पुरुषोत्तमा लाल पुरुषोत्तम लाल. सो गाइज दीज बोथ आर वॉट. सो दीज बोथ आर नीचे पब्लिशिंग हाउसेस इन इंडिया दैट फोकसेस ऑन पर्टिकुलर जॉनरा गाइज. सो ये जो गाइज ये है ना ब्लॉब. सो फोकसेस ऑन न्यू राइटर्स ओके एंड राइटर्स वर्कशॉप. सो राइटर्स वर्कशॉप क्राइम फिक्शन एंड ऑल पर इसका ज्यादा फोकस रहता है. गॉट इट? डेडिकेटेड वन. क्लियर है? यस. याद रखेंगे सभी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू. सो हियर इज द नेक्स्ट वन. सी द नेक्स्ट वन. द फॉलोइंग लाइंस कैप्चर द सेंट्रल ट्रॉप ऑफ अ वेल नोन 18th सेंचुरी सटारिकल ट्रैक्ट. आई हैव बीन अश्योर्ड बाय अ वेरी नोइंग अमेरिकन ऑफ माय एक्वेंटेंस लंदन दैट अ यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स is at a year old, yes, a most delicious, nourishing and wholesome food. देखिए गाइज ये वाला जो क्वेश्चन, अगर आपने मेरी यूजी सीनेट की क्लासेस और माई फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब अगर आपने कभी देखी होगी गाइज, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, जो लोग मुझे हमेशा फॉलो करते हैं और जिन लोगों ने हमेशा मेरी क्लासेस ज्वाइन की होगी गाइज, सो वो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर देंगे. आंसर इज गाइज जोनाथन स्विफ्ट मॉडेस्ट प्रपोजल. गॉट इट? मॉडेस्ट प्रपोजल. जिन लोगों ने भी गाइज मेरी क्लासेस फॉलो की होगी आई एम टेलिंग यू उन लोगों को गाइज आंसर करने में कोई समस्या नहीं आई होगी 100% क्योंकि मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है मॉडेस्ट प्रपोजल को लेकर के एंड यू ऑल आर फैमिलियर जोनाथन स्विफ्ट. सो ही वॉज अ ग्रेट सटायरिस्ट, अ ग्रेट ग्रेट सटायरिस्ट गाइज जिसे आप कह सकते हो जोनाथन स्विफ्ट एंड ही प्लेड प्रोमिनेंट रोल गाइज. यस, प्रोमिनेंट रोल आप समझ सकते हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है. या द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हूज पेन हूज पोएम डज नीथ ब्रुक क्लोज रीड टू अराइव एट द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल रॉट अर्थ. देखिए गाइज जो नीथ ब्रुक है सो नीथ ब्रुक ने किसकी पोएम्स को गाइज पढ़ा था वेल रॉट अर्न के लिए गाइज जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था ना वेल रॉट अर्न में. यस. सो किसकी पोएम्स को गाइज इन्होंने क्लोज रीड किया था? बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, विलियम ब्लेक, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन. वैसे मैं आपको बता दूंगा दिस इज रियली एन ऑसम वर्क, बहुत ही बढ़िया वर्क है गाइज और जिसको एनालाइज किया नीथ ब्रुक ने. या सो गो फॉर इट एंड आंसर कीजिए जल्दी से आप सभी लोग. यस, गो फॉर इट एंड प्लीज डू सेलेक्ट द राइट वन आंसर. ओके, करेक्ट आंसर ऑफ बेसिकली गाइज दिस वन क्वेश्चन इज कीट्स. लेकिन एक चीज और आपको जानना चाहिए गाइज. ओके, बेसिकली कीट्स को तो गाइज कीट्स का जो यू नो ग्रेशियन अर्न टाइप वर्क है यू ऑल आर फैमिलियर बेसिकली है ना. सो अर्न अर्न अगर आप ऐसा मैच कर ले तो मुझे लगता है कि बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं द फर्स्ट वन थिंग है ना. अनदर वन थिंग गाइज, देखिए इन्होंने एनालाइज तो काफी लोगों को किया. क्लोज रीडिंग द बल्क ऑफ द बुक इज डिवोटेड टू क्लोज रीडिंग ऑफ पोएम्स बाय जॉन डन, शेक्सपियर, मिल्टन, पोप, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, टेनिशन, येट्स, थॉमस ग्रे, टी एस एलियट. बट गाइज जो फाइनल वर्ड आया इनका वेल लॉट ऑन में नीथ ब्रुक का, सो दैट केम फ्रॉम जॉन कीट्स. यू मस्ट रिमेंबर गाइज क्लोज रीड टू अराइव एट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ द वेल लॉट ऑन. सो गाइज आंसर इज क्लोज रीडिंग की थी किसकी? जॉन कीट्स की. दो ही एनालाइज द पोएम्स बाय द डिफरेंट पोएट्स
एज यू कैन सी ये लिस्ट मैंने जो दी है ना गाइज, याद रखिएगा। यस, नेक्स्ट वन, व्हाट इज कॉमन अमंग द चार्ल्स डिकेंसेस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, महाश्वेता देवीज, मदर ऑफ 1084, 1084, यू कैन से शोभा शक्तिज गोरिल्ला एंड चिमंदा नगोजी अदीजी, सो हाफ ऑफ येलो सन। सो व्हाट इज कॉमन अमंग दीज ऑल वर्क्स? दीज नॉवेल्स आर सेट ड्यूरिंग टाइम ऑफ पॉलिटिकल अपराइजिंग्स, दीज नॉवेल्स आर फेमिनिस्ट नैरेटिव्स, दीज नॉवेल्स हैव एनिमल एज सेंट्रल कैरेक्टर, दीज नॉवेल्स आर पिकरेस्क वन नॉवेल। सो आपको अपनी फाइंडिंग जो भी है गाइस बता दीजिए जल्दी से। यस मैं आपको, यस दीज आर द फोर वन ऑप्शन, कि मैं फोर ऑप्शन आपको दिखा पाऊं। यस विद फोर ऑप्शन एंड क्वेश्चन आप देख लीजिए। या गाइस दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम, सेट एग्जाम। देखिए आप लोग गाइस एक स्मार्ट एस्पिरेंट बनिए, कोई आपको ये टेक्निक नहीं बताता स्मार्ट। मैं आपको कॉमन चीजें दिखाऊंगा कि कैसे यूजीसी में क्वेश्चंस वैसे ही आए, गेट में भी वैसे ही क्वेश्चन, एंड अदर एग्जाम्स में भी सेम क्वेश्चन गाइस। आई नो एंड इवन आई कैन टेल यू गाइस, राइट आंसर इज द नॉवेल्स आर सेट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल अपराइजिंग गाइस, है ना। चार्ल्स डिकेंस टेल ऑफ टू सिटीज, देखिए यहां पर लंदन और पेरिस की बात होती है, अगर आपको याद हो, लंदन प्लस पेरिस। आप मुझे बताइए गाइस टेल ऑफ टू सिटीज के बारे में यूजीसी में नहीं पूछा जाता। बी एन स्मार्ट एस्पिरेंट गाइस, यस अ स्मार्ट एस्पिरेंट, सो दैट कि आप फ्यूचर को अपने सिक्योर कर पाएंगे। कोई नहीं बताता ये सब आपको, और ज्यादातर टीचर आपको क्या बताते हैं, सीधे क्लास ज्वाइन कर लो डायरेक्टली, क्लास ज्वाइन करने के बाद तुम बन जाओगे हीरो। आपने जैसे ही क्लास ज्वाइन किया उनकी, तो फिर वो आपको बना देते हैं जीरो, क्योंकि जो उनका मन आएगा वो पढ़ाएंगे, जो नहीं मन आएगा नहीं पढ़ाएंगे। कभी आपको कोई रिकॉर्डिंग भेज देंगे, कभी आपको कोई कुछ कर देंगे। गॉट इट ना गाइज? बट आई एम टेलिंग यू दिस इज द राइट वे कि हम हर एक पेपर को एनालाइज करें। एंड देखिए एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट और सेट एस्पिरेंट, गेट एस्पिरेंट, और यू नो गाइज लिटरेचर से रिलेटेड अदर एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं, सो उनको एक स्मार्ट एस्पिरेंट होना चाहिए। देखिए यहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, टेल ऑफ टू सिटीज यूजीसी में भी आपके पूछा गया होगा। यू नो 1084 माँ, एक बार आप याद रखिए, अगर आपको कभी याद आ जाए या फिर मैं याद दिला देता हूं। देखिए गाइस ये महाश्वेता देवीज वर्क, दिस वन, ये देखिए महाश्वेता देवी जी का वर्क है मदर ऑफ 1084 गाइज, ये नक्सलाइट मूवमेंट से एसोसिएटेड है। अगर आपको भरोसा नहीं है यूजीसी का पेपर चेक कर लीजिएगा गाइज। यस गॉट इट, चेक आउट यूजीसी नेट पेपर, यू विल फाइंड 1084 मा बाई महाश्वेता देवी एंड यू विल फाइंड दिस इज अ नक्सलाइट वर्क गाइज, यू नो नक्सलाइट थीम को लेकर के बेस्ड है। देन शोभा शक्ति गोरिल्ला गाइज, शोभा शक्ति गोरिल्ला की अगर मैं बात करूंगा, इट सो डील्स विद आई थिंक सिविल वॉर एंड ऑल के साथ डील होता है। एंड चिमांदा नगोजी अदीजी का, सो ये भी आपका अपराइजिंग को लेकर के गाइस, नाइजीरिया में सेट वर्क है ये, नाइजीरिया की बात करता गाइस, और नाइजीरिया में अपराइजिंग एंड ऑल के साथ डील होता है। आई एम टेलिंग यू, आप चेक कर लीजिएगा डिटेल। बिल्कुल गाइस मैंने जो भी आपको बातें बताई वो 100% करेक्ट मिलेंगे। Now guys, see the next one question. So here is the next one question for you. The next one question is Henry James' essay, The Art of Fiction, one of earliest literary critical engagements with the form of the novel, was preceded by his book-length study of William Faulkner, Hawthorne, Aphra Behn, or Oscar Wilde. देखिए गाइज ये आपके एग्जाम में जो आर्ट ऑफ फिक्शन, आर्ट ऑफ फिक्शन, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल गाइज, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, ये सारे आपके एग्जाम में आते रहते गाइज, एस्पेक्ट्स ऑफ नॉवल, आर्ट ऑफ फिक्शन, है ना। यस सो दिस इज गाइज सी हेनरी जेम्स आर्ट ऑफ फिक्शन, इसके बारे में भी गाइज मैंने कई बार आपसे क्वेश्चंस किए होंगे। दिस इज बेसिकली गाइज यू नो बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 7, सो बेस्ड ऑन गाइज यू नो Hathorn's study, lengthy study of Nathaniel Hawthorne, guys. Yes, Henry James का जो work है Art of Fiction, so ये
हैथॉन की स्टडी पर बेस्ड है। गॉट इट? बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन गाइस, सी एट क्वेश्चन नंबर एट, एंड बेसिकली याद रखिएगा आर्ट ऑफ फिक्शन इट वॉज केम इन 1884। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू ऑफ सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ब्रैम स्टॉकर्स ड्रैकुला। दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया था ना आपके एग्जाम में, क्वेश्चन नंबर एट, सो क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ब्रैम स्टॉकर्स ड्रैकुला। सो ड्रैकुला के बारे में गाइस कौन सही नहीं है? गो फॉर इट एंड आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर एट, सी कंसीडर टू बी गोथिक नॉवल। आई थिंक गाइज इट इज नैरेटेड मोस्टली थ्रू लेटर्स। कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल वाली क्लास, दोज स्टूडेंट्स जिन लोगों ने कल मेरी क्लास वॉच की थी, मैराथन क्लास मैंने लिया था कल, है ना, मैराथन ऑन नॉवल, फॉर्म्स ऑफ नॉवल। एंड फॉर्म्स ऑफ नॉवल को अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको वहां पर पता चला होगा। यस आई टोल्ड कि लेटर फॉर्मेट में भी है गाइज, यस, ब्रैम स्टॉकर्स, गोथिक भी मैंने आपको बताया था। एंड सी ट्रांसिल्वेनिया इज एन इंपॉर्टेंट सेटिंग इन द नॉवल। यस गाइज इट इज एंड इट इज बिल्डुंग रोमा। इज इट डेवलपमेंट्री वन? नो गाइज इट्स नॉट डेवलपमेंट्री वन, इट्स नॉट डेवलपमेंट्री वन गाइज, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन सी, द नेम इज एच हैटर एंड आई एम कंटिन्यूइंग। बायोलॉजिकली आई एम 55 ऑफ द स्पीसीज। द लाइन्स अबव आर फ्रॉम एन अर्ली इंडियन इंग्लिश नॉवल एंड हु इज द ऑथर ऑफ दिस नॉवल? जीवी देसानी, एलन सिली, तोरू दत्त, रुद्र प्रवार झापवाल। राइट आंसर प्लीज, गो फॉर इट गाइज एंड चूज राइट वन आंसर। हरियर करेक्ट आंसर गाइज एच हैटर। दिस इज बेसिकली अ वर्क बाई जी वी देसानी। राइट आंसर इज गाइज जी वी देसानी। द वर्क इज एसोसिएटेड विद जी वी देसानी गाइज। क्लियर? ऑल अबाउट एच हैटर, ऑल अबाउट एच हैटर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन गाइज आपके लिए सी, इन एरोपैजिट का जॉन मिल्टन मेड एंड इम्पैसन अपील। ये देखिए गाइस कितना इजी क्वेश्चन है ये, एंड राइट आंसर तो आपका 100% इस बार होगा करेक्ट आंसर। ओके गाइस, रिगार्डिंग क्वेरीज, यूजीसी नेट की क्वेरी हो आपकी या फिर गाइस यूपी टीजीटी एंड पीजीटी क्वेरी, सो यू कैन ड्रॉप ऑन दिस वन नंबर गाइस, है ना। आप इस नंबर पर मुझसे डायरेक्टली, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। UPSC, UGC नेट कोर्सेज और UPDGT एंड PGT कोर्सेज कल मैं लॉन्च कर रहा हूँ, UPTGT एंड PGT कोर्सेज। ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु वांट टू ज्वाइन, सो बस गाइस कल आपके लिए अच्छा दिन होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज गाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। ए ऑप्शन 100% करेक्ट है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट वन, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू टीच इंग्लिश लिटरेचर इन द वर्ल्ड इज? द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, रॉयल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन लंडन, द कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी, विलियम्सबर्ग वर्जीनिया, फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा। द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन टू टीच इंग्लिश लिटरेचर इन द वर्ल्ड गाइज, ये वाला जो इसका आंसर है काफी डिफरेंट लगेगा आपको आंसर बेसिकली, मे बी एंड आई ऑल्सो थिंक इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट है लिटिल बिट गाइज। 11th नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 गाइज, इसका राइट आंसर जो है फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकटा। Port William College, Calcutta. This is the institute where English literature was taught first. First time, guys, English, देखिए English language teaching होती थी, but English literature teaching, so that takes place in Port William College, Calcutta, all around the world. Now, guys, next one.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रपाउंड्स द एस्थेटिक थियरी ऑफ रस, नाट्यशास्त्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मनुस्मृति और चरक संहिता? करेक्ट आंसर 12th नंबर गाइस, राइट आंसर टेक्स्ट प्रपाउंड्स द एस्थेटिक थियरी ऑफ रशा। गाइस मैंने भी एक दिन पढ़ाया था, मैं हमेशा ऐसे पढ़ाता ही रहता हूं, अब मैं क्या बताऊं कि मैंने किस दिन पढ़ाया था, बट यस गाइस मैंने आपको ये वाला पढ़ाया था आपको रश थियरी। गाइस देयर आर 9 रसाज है ना एसोसिएटेड विद नाट्य शास्त्र। भरत मुनि, BHARATMUNI, भरत मुनि, नाट्य शास्त्र भरत मुनि है ना, यस। और सेम जामिया वाले में भी यस ऐसे ही था, भरत मुनि है ना। चलिए नेक्स्ट वन। हाँ गाइस यहां पर देखिए आपके लिए 13 to 20 के लिए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू कैरी 1 mark ईच। ये गाइस देखिए इंस्ट्रक्शन है आपके लिए बेसिकली है ना। सो मल्टीपल सेलेक्ट करना है यहां पर बेसिकली। चलिए मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट करके हम देखते हैं, और इवन मैंने कुछ क्वेश्चंस को जैसे चेंज किया है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट प्रीडोमिनेंटली सेट इन बॉम्बे। मैंने गाइस ये जो नॉट है, मैंने जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैंने दोस्तों उसको चेंज किया है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को नॉट लगा करके गाइस मैंने चेंज किया है ये वाला है ना। यस क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 गाइस। सो किरण नागारकर, रावण एंड इडी, रोहिंटन मिस्त्री फाइन बैलेंस एंड सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, अरविंद डीगा द व्हाइट टाइगर। सो मैंने गाइस इसको चेंज कर दिया है, प्लीज मल्टीपल सेलेक्ट इंस्टीड ऑफ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन गाइस आप एक ऑप्शन यहां पर आपको चूज करने की जरूरत है राइट क्योंकि मैंने इसे चेंज कर दिया है अपने अकॉर्डिंग। इसलिए चेंज किया था कि मुझे लगता था स्टूडेंट्स को या तो फिर कॉम्बिनेशन बना करके दिया जाए है ना। यस गाइस ऑल दीज थ्री नॉवल्स ये सारे गाइस बॉम्बे में सेट है, बॉम्बे, बट द व्हाइट टाइगर गाइस ये दिल्ली में सेट है और ये मैंने जामिया वाले पेपर में आपको बताया। यस डिस्कस्ड इन जामिया, जामिया वाला जो गाइस पेपर था ना, सो मैंने उसी में आपके लिए डिस्कस किया था अगर आपको याद होगा। यस सेट इन दिल्ली, अरविंद अडिगा वाला गाइस जो वर्क है ना। यस नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकली रीराइट्स कैनोनिकल इंग्लिश नॉवल। सो गाइस इसमें मल्टीपल ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, यस मल्टीपल ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकली रीराइट्स कैनोनिकल इंग्लिश नॉवल, बिकॉज गाइस मल्टीपल का मतलब है आप मोर देन वन ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लाइक ए बी सी डी और बी सी, बिकॉज कॉम्बिनेशन नहीं आया था गाइस, ये थोड़ा क्वेश्चन इसी टाइप का था राइट। सो आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लाइक ए बी हो सकता है या फिर ए बी सी हो सकता है, वट एवर गाइस। सो आप राइट कर सकते हैं, ओके बी बी बस ओके गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 14, द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज, 14 नंबर क्वेश्चन का जो गाइस राइट आंसर है दैट इज जे एम कोटसी एंड जीन राइस गाइस, ए बी करेक्ट आंसर दोनों गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकली रीराइट्स कैनोनिकल इंग्लिश नॉवेल्स गाइस, एसोसिएटेड विद कैनन्स, और ये जो कैनोनिकल वर्ड है बेसिकली गाइस बाइबल से आया है, ओके यस। लेट्स से जैसे हम लोग स्टडी करते हैं ना, लाइक विलियम शेक्सपियर एंड कैनन, उनके कैनन को स्टडी करते हैं, एंड दोज वर्क गाइस दैट आर ऑफ इंपॉर्टेंस, ओके यस। सो ये काफी इंपॉर्टेंस वो इंपॉर्टेंट वर्क कंसीडर किए जाते हैं गाइस, एंड दीज आर कंसीडर्ड एंड अंडर कैनन नॉवेल्स और यू नो गाइस कैनोनिकल नॉवेल्स। आप कैनोनिकल नॉवेल्स के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम मिल जाए कभी। यस नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सो दिस इज द नेक्स्ट वन, ऑफ द फॉलोइंग विच नॉवलिस्ट कंबाइंड फेमिनिस्ट कंसर्न विद मैजिक रियलिज्म। ऑफ द फॉलोइंग विच नॉवलिस्ट कंबाइन फेमिनिस्ट कंसर्न विद मैजिकल रियलिज्म, हे गाइस गो
फॉर इट। टोनी मॉरिशन, वर्जीनिया वुल्फ, कमला मार्कंडिया, स्वेतलाना एलेक्सीविच। यस, फेमिनिस्ट कंसर्न विद मैजिकल रियलिज्म। आप आंसर कर सकते हैं गाइस, जो भी आपको आंसर अच्छा लगे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन गाइस, जो लोग भी गेट एंड ऑल की प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए और भी हेल्पफुल होगा। राइट आंसर इज टोनी मॉरिशन गाइस। देखिए, फेमिनिस्ट पॉइंट से वर्जीनिया वुल्फ ने भी डील किया है, बट व्हाई नॉट गाइस वी सिलेक्टेड, कमला मार्कंडिया ने भी काफी सारी बातें की, श्वेतलाना एलेक्सिविच, बट गाइस हमने टोनी मॉरिशन को क्यों चूज किया? बिकॉज मैजिक रियलिज्म विद गाइस फेमिनिस्ट, सो फेमिनिस्ट पॉइंट एंड एज वेल एज मैजिकल रियलिज्म, सो इसके लिए टोनी मॉरिशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन फॉर यू ये है गाइज, आपके लिए गो फॉर इट। और ये रहा गाइज आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन विच ऑफ दीज शेक्सपियरियन प्लेज डू इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर नॉट डिस्गाइज हरसेल्फ एज मैन। बेसिकली गाइज ये मल्टीपल ऑप्शन चूज करने वाला क्वेश्चन था, बट मैंने यहां पर एक काम किया है, नॉट वर्ड यूज किया है। सो गो फॉर इट, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। इन विच ऑफ दीज शेक्सपियरियन प्लेज डू इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर नॉट डिस्गाइज हरसेल्फ एज मैन। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट। करेक्ट आंसर गाइस, द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन बेसिकली अगर देखा जाए गाइस तो आंसर होगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम। बट अगर मल्टीपल ऑप्शन आपको चूज करना हो, सो मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, दीज थ्री आर द प्ले जहां पर आपको गाइस क्या बोलते हैं इसे, क्रॉस ड्रेसिंग, CROSS एंड DRESSING, क्रॉस ड्रेसिंग। ओके, क्रॉस ड्रेसिंग दैट कैन बी सीन, है ना? यस। द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश आर क्लस्टर्ड अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, चूज द क्लस्टर्स दैट डज नॉट कंटेन वर्ड्स ड्रॉन फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो कैटेगरी पंच एंड मलिक टावरी, छावनी, कैंडी, एंड देन यू कैन सी शैम्पू, चिंस, कैलिको, जगर, जगरनट एंड फिलिस्टाइन। जगरनट गाइस है ना, इको, पैनिक, गैलेक्सी, एनाकोंडा, बहुत सारे वर्ड हैं, बड़े डिफरेंट डिफरेंट है। यस, फर्स्ट टाइम इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, राइट, करेक्ट आंसर, सही लगेगा ना गाइस, चूज, गो फॉर इट। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। या सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन, राइट आंसर गाइस, सो द राइट आंसर इज फिलिस्टाइन, इको एंड पैनिक गैलेक्सी गाइस। ओके, फिलीपीन एंड यू कैन सी इको, पैनिक, गैलेक्सी, दिस इज द राइट आंसर सी। और बेसिकली मल्टीपल चूज करना हो, सो गाइस इसका डज नॉट रिमूव कर दीजिए यहां से, सो ए बी एंड सी गाइस, इन तीनों को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हैं लाइक मल्टीपल ऑप्शंस। ओके, एंड आपके एग्जाम में जो आया था वो मल्टीपल ऑप्शन, फॉर सिलेक्टिंग मल्टीपल ऑप्शन, सो थ्री ऑप्शंस आर देयर जिन्हें आप चूज कर सकते हैं। यस गाइस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू ऑफ शार्लोट ब्रोंटे जेन आयर। जेन आयर के बारे में गाइस कौन सही नहीं है? 18, क्वेश्चन नंबर 18 गाइस, गो फॉर इट। यस, नॉट ट्रू ऑफ शार्लोट ब्रोंटे जेन आयर, गो फॉर इट। ये डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी वो डिफिकल्ट था, सेम। या आई एम टेलिंग, थैंक यू डॉक्टर अतीश भारद्वाज एंड विश यू द सेम।
बट टीचर्स डे गाइस, नेक्स्ट डे मैं आपसे मुलाकात करूंगा विद टीचर्स डे एंड विद वंडरफुल सरप्राइजेस इवेंट, है ना। सो नेक्स्ट डे मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू ऑफ सर लॉर्ड ब्रॉन्टे जेन आयर। इट वॉज पब्लिश अंडर द पेन नेम क्यूरर बेल। इट वॉज पब्लिश ओरिजिनली इन 3 वॉल्यूम्स। इट हैज बीन रीड एज क्रिटिक ऑफ हेट्रोसेक्सुअल रोमांस, मैरिज एंड डोमेस्टिसिटी। द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैड वुमेन इन 80। द राइट आंसर ऑफ दिस वन इज गाइस डी, यस, नॉट ट्रू ऑफ सर लॉर्ड ब्रॉन्टेज। या द स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ मैड वुमेन इन द एटिक। नो गाइस, यस नो, यही वाला गाइस आंसर होगा। और अगर यहां से नॉट को हटा दिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर ट्रू ऑफ सर लॉर्ड ब्रॉन्टेज, सो देन ये गाइस तीनों ऑप्शन सही हैं रिगार्डिंग सर लॉर्ड ब्रॉन्टेज जेन आयर। ठीक है, यस, ओनली डी इज नॉट ट्रू गाइस एंड अदर्स आर ट्रू। ठीक है, यस, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मैड वुमेन इन डी गाइज डी मैड वुमेन इन एटिक इज देयर। देखिए स्टोरी इज टोल्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैड वुमेन एटिक, एटिक नहीं। इस स्टोरी में नैरेटर बहुत सारे हैं, डिफरेंट पार्ट विद डिफरेंट नैरेटर। मैड वुमेन इन एटिक इज देयर, बट गाइज देखिए पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ क्या मैड वुमेन इन एटिक का है? नो गाइज, ओके, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल आर एग्जाम्पल ऑफ नोयर पॉपुलर बोथ एज फिक्शन एंड फिल्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल और आर एग्जाम्पल्स ऑफ नोयर पॉपुलर बोथ एज फिक्शन एंड फिल्म। द बिग स्लीप, मर्डर ऑन द ओरियंट एक्सप्रेस, द माल्टीज फाल्कन, फार्गो। गो फॉर इट गाइड्स। सो इसमें से आप मल्टीपल ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं इफ यू थिंक, तो सो देन गाइज आप चूज कर सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस टू। 19, द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज गाइज द बिग स्लीप एंड माल्टीज फाल्कन। 19 गाइज, बिग स्लीप एंड माल्टीज फाल्कन गाइज, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नोयर पॉपुलर बोथ एज फिक्शन एंड फिल्म गाइज। देखिए नॉयर इज वॉट एन ओ आई आर, अ जॉनर ऑफ क्राइम फिल्म और फिक्शन कैरेक्टराइज बाई सिनिसिज्म, फैटलिज्म, मोरल एम्बिगिटी। गॉट इट? यस, मोरल एम्बिगिटी। सो नॉयर इट्स अ काइंड ऑफ जॉनर, है ना। यस, सो करेक्ट आंसर इज द बिग स्लीप, द माल्टीज फाल्कन। नेक्स्ट वन, Which of the following uses the device of a story within a story with multiple narrators? A portrait of an artist as a young man, Wuthering Heights, Emma, Heart of Darkness। So guys, इसमें मल्टीपल ऑप्शन चूज करने का आपके पास टाइम है। यू कैन चूज, ओके, यू कैन चूज मल्टीपल ऑप्शंस, नो प्रॉब्लम गाइस, मल्टीपल ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सो पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, वुदरिंग हाइट्स, एमा, या गो फॉर इट। सो द राइट आंसर इज बी, वुदरिंग हाइट्स, एंड डी, हार्ट ऑफ डार्कनेस। गाइस टू ऑप्शन बी एंड डी, दीज आर द टू वर्क वेयर यू कैन सी मल्टीपल नैरेटर्स। बेसिकली हार्ट ऑफ डार्कनेस में गाइज आपने एक क्या, एक तो नैरेटर जानते हैं मार्लो बिज ऑरब्लेज, यूनिवर्सल नैरेटर गाइज आप देखते होंगे। इन वुदरिंग हाइट्स यू कैन ऑल्सो सी अ नंबर ऑफ नैरेटर्स आर देयर। फॉर मोर डिटेल यू कैन चेक गाइज। एमा में अगर देखा जाए तो बेसिकली देखा जाए अगर गाइज यू नो, सो इन एमा, एमा इज द लीड कैरेक्टर, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बेसिकली गाइज यू नो, सो इजाबेला के पॉइंट ऑफ व्यू से डील होगी, इजाबेला, है ना। यस,
इजाबेला और इजाबेल अर्चर, ऐसा गाइस। ठीक है, देन सी क्वेश्चन नंबर 30, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गाइस। अब यहां पर सिर्फ मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है गाइस, तो यहां पर कॉम्बिनेशन एंड ऑल अगर है तो आप चूज कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वन क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग प्लेज विद जानर और स्टाइल, है वदना, हार्वेस्ट, घासीराम कुतवाल, इवॉम इंद्रजीत। पॉलिटिकल सटायर, मॉडर्निस्ट प्ले, रिवॉकिंग द फू, थिएटर ऑफ अब्जर्ड, फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपिया। हे गाइस, सो चूज करेक्ट आंसर, थोड़ा सा ब्लर है। ओके ओके, वेट कीजिए गाइस, मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं। यस, चेक इट आउट प्लीज। बड़ा मैं कर दूंगा तो आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे ना, दैट्स व्हाई। ओके, यस, गो फॉर इट। मैंने बड़ा कर दिया आपके लिए, बट बड़ा करने का मतलब है कि ऑप्शन नहीं दिखेंगे। वुडन गाइस, वैसे मैं आपको बता दूं, सो ये पॉलिटिकल सटायर नहीं है, मॉडर्निस्ट प्ले, रीवॉकिंग द फूक, थिएटर ऑफ अब्जर्ड, फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपिया। आई थिंक गाइस हैवदना मॉडर्निस्ट प्ले, रीवर्किंग द फॉग गाइस। वन को बी से मैच कर सकते हैं, आई होप सो गाइस। अच्छा, मैं जरा सा इसके ऑप्शन को देखूंगा। वन टू बी इज देयर इन एनी ऑप्शन गाइस? इफ देयर इज, तो मुझे लगता है कि वन टू बी एक ही ऑप्शन है। लेट मी चेक द गाइस की इस आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेसिकली। सो आंसर वही होना चाहिए जिसमें आपको ऑप्शन मिल गया। विद वन ऑप्शन गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना? यस, आंसर इज वन टू बी, है ना, सेकेंड बी एंड थर्ड ए एंड फोर्थ सी। सो बेसिकली गाइस देखिए, एंड इवॉम इंद्रजीत की अगर आप बात करें, सो आई थिंक गाइस एसोसिएटेड विद थिएटर ऑफ अब्सर्ड, है ना? यस, थिएटर ऑफ अब्सर्ड। घासीराम कुतवाल एंड हार्वेस्ट, सो सेकेंड को गाइस आप देख पा रहे हैं, सेकेंड टू डी, हार्वेस्ट फ्यूचरिस्टिक, घासीराम कुतवाल पॉलिटिकल सटायर। ओके, सो ओनली ए ऑप्शन आपके लिए फटाफट करेक्ट आ जाता है। राइट आंसर गाइस यही है, देखिए करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन गाइस, सो आ जाइए चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम देखेंगे। चले, स्टडी द थ्री एग्जाम्पल्स बिलो गाइस, दीज आर द एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल आपको पढ़ना है दीज थ्री एग्जाम्पल्स, एंड देन आपको यहां पर डिवाइस चूज करना। यू नो व्हाट डज डिवाइस मीन? एक का ही पता है वदना का, बस उसी से काम हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, बाकी को जानने की जरूरत नहीं। यस, थ्री एग्जांपल लाइक जॉर्ज ऑरवेल्स नॉवेल 1984, द इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ टोटलिटेरियन स्टेट इज कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ लव, इन द जॉनर ऑफ हॉरर फिक्शन द रीडर नोज दैट द किलर इज हाइडिंग इन द क्लोजेट बट द प्रोटैगनिस्ट डज नॉट, but Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man, William Shakespeare, Julius Caesar, these all are instances of metaphor, irony, parody guys। किसका example है ये? स्क्रीन का, अपने स्क्रीन की जो क्वालिटी है सही सेट कर लीजिएगा, आपको सब दिख जाएगा, ठीक है? Yes, so guys these are example of irony guys। अब आयरनी का मतलब आप सबसे पहले जान लीजिए, आयरनी मींस डिफरेंस बिटवीन अपियरेंस एंड रियलिटी गाइस, गॉट इट? डिफरेंस बिटवीन अपियरेंस एंड रियलिटी। यहां पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लव, ओके गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ लव इसे कहा गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ लव में गाइस क्या होता है, वहां पर लव एंड ऑल कुछ भी नहीं है, जितनी भी है गाइस सो ओनली एंड ओनली वन व्यू, टोटलिटेरियन व्यू है, टोटलिटेरियन ओनली उपयोगितावादी है सब कुछ। इन द जॉनर ऑफ हॉरर फिक्शन द रीडर नोज दैट द किलर इज हाइडिंग इन द क्लोजेट बट द प्रोटैगनिस्ट डज नॉट,
अपियरेंस एंड रियलिटी गाइस, अपियरेंस क्या है और रियलिटी समथिंग एल्स. ब्रूटस सेज ही वाज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. सो गाइस यहां पर सेज ही वाज एम्बिशियस कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस एक ऑनरेबल मैन है. डिफरेंस बिटवीन अपियरेंस एंड रियलिटी, आंसर इज आयरनी ऑलवेज गाइस, है ना, अपियरेंस एंड रियलिटी. नेक्स्ट वन, एन इम्प्लाइड रीडर इज अ रीडर हु पार्टिसिपेट इन क्रिएटिंग मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट, रीडर हु एंटिसिपेट ऑथोरियल इंटेंशन, और हाइपोथेटिकल रीडर, नॉट द एक्चुअल रीडर दैट द टेक्स्ट एड्रेसेस, रीडर हु रीड्स क्रिटिकली अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ टेक्स्ट. सो इसका आंसर कीजिए, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू यू गाइस 23, गाइस देखिए इसका जो आंसर है 23 वाला, सी ऑप्शन, हाइपोथेटिकल रीडर, सपोज्ड रीडर. सपोज्ड रीडर, सपोज्ड रीडर है ना, और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये सैमुअल जॉनसन से आता. ओके, सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, क्लियर. नाउ रीड द फॉलोइंग गाइस, अ टेक्स्ट इज मेड ऑफ मल्टीपल राइटिंग drawn from many cultures and entering into mutual relations of dialogue, parody, contention, but there is one place where this multiplicity is focused, and that place is the reader, not, as was hitherto said, the author. The birth of the reader must be at the cost of the death of the author. Which theoretical school does the excerpt best represent? Clear है? एक बार और पढ़ लीजिए. Got it? Yes. It's not blur at all. आप अपनी स्क्रीन को सही कीजिए, आप अपनी क्वालिटी सेट कीजिए. मेरे यहां से HD जाता है. आप लोग भी बड़े जबरदस्त. रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, फॉर्मलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, राइट आंसर. बेसिकली करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस वन, देखिए यहां से द बर्थ ऑफ रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ डेथ ऑफ ऑथर. बेसिकली गाइस डेथ ऑफ ऑथर की बात, मुझे लगता है कि एक इंसान थे जिन्होंने बात किया था, रोलैन बार्थ गाइस, रोलैन बार्थ ने बात किया था, है ना. यस, एंड एसोसिएटेड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, राइट आंसर इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्लियर. डेथ ऑफ द ऑथर ऑन द कास्ट ऑफ हीरो एंड देन बर्थ ऑफ रीडर, ठीक है. लिटरेरी क्रिटिसिज्म कंसीडर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट एज ऑफरिंग स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट फॉर माइमेटिक थियरीज ऑफ आर्ट. किसने गाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया, किसके लिए गाइज, माइमेटिक थियरीज ऑफ आर्ट. गो फॉर इट गाइज, और राइट आंसर चूज कर लीजिए जल्दी से. प्लेटो, रिपब्लिक, लॉन्जाइनस ऑन सब्लिमिटी, हॉरेस द आर्ट ऑफ पोइट्री, एरिस्टोटल पोइटिक्स. आंसर ऑफ दिस वन इज गाइस एरिस्टोटल पोइटिक्स. बहुत सारे लोगों ने फटाफट माइमेटिक देखा और रिपब्लिक गाइस फटाफट प्लेटो कर दिया, है ना. बट व्हाई नॉट प्लेटो गाइस, प्लेटो ने सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया है क्या? आर्ट इज माइमेटिक बाय नेचर,
दैट्स वाई इट्स ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी. इज दिस अ सपोर्ट? आई थिंक नो नो गाइस, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, एनी काइंड ऑफ सपोर्ट. गॉट इट ना गाइस? आई होप कि ये कोई भी सपोर्ट नहीं है. 100%. नेक्स्ट वन. फॉलोइंग इज द पैसेज अबाउट ओवी विजेंस, द लेजेंड्स ऑफ खशक और खशक गाइस. द नॉवल इज सेट इन रिमोट विलेज इन द मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी. द नैरेटिव इज रिप्लीट विद इमेजेस ऑफ वास्ट इकोसिस्टम ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग, अ लैंड पोटेंट विद ड्रीम्स एंड लेजेंड्स. द एनालिसिस प्रेजेंटेड इन दिस डिस्क्रिप्शन इज कंग्रुएंट विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय मिकाएल बाक्यू. ओके यस. अब गाइस एक चीज आपको आंसर सेलेक्ट करना है. मिकाएल बक्तिन के एक कॉन्सेप्ट लाइक क्रोनोटॉप, डायलिज्म, कार्निवलस, पॉलीफोन. गॉट इट? यस. The right answer of this one question is what, guys? The right answer is the very first one. Yes. And this is, guys, क्रोनोटॉप. क्रोनोटॉप गाइस है ना, कैसे देखिए क्रोनोटॉप हाउ कन्फिगर्स ऑफ टाइम गाइस. यू नो क्रोनोटॉप टॉक्स अबाउट द टाइम स्पेस रिप्रेजेंटेड इन लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स. ओके सी द नॉवल इज सेट इन रिमोट विलेज प्लेस, 20th सेंचुरी टाइम, रिप्लीट विद इमेज ऑफ वॉस्ट इको सिस्टम एंड लिविंग ऑफ एंड नॉन लिविंग, अ लैंड पोटेंट विद ड्रीम्स एंड लेजेंड्स. प्लेस एंड टाइम, टॉकिंग अबाउट प्लेस एंड टाइम, इट मीन्स क्रोनोटॉप. Got it? Yes. Which of the following did not happen in 1919, the year the First World War ended? The Progressive Writers Association was formed in India. The radical political activist and philosopher Rosa Luxemburg was murdered. Rabindranath Tagore renounced the knighthood, his knighthood. James Joyce's Ulysses was being serialized. Right answer, guys. Go for it. Hey guys, choose correct answer and I hope so कि आप सब लोग ready हैं right answer के लिए. ओके द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन इज ऑफ 27 इज ए ऑप्शन, द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन वॉज फॉर्म इन इंडिया. बेसिकली प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन इट वॉज फॉर्म इन लंडन इन 1935, इन इंडिया इन 1936. ओके यस, गॉट इट? क्लियर? मेरी बात समझ पा रहे? जेम्स जोसेस यूलिसिस, जिसका आंसर आपने दिया है, सीरियलाइज्ड. गाइस देखिए यहां पर फोकस कीजिए वर्ड पर, इट्स नॉट PUB, इट्स नॉट PUB. पब्लिश्ड इन 1922, गॉट इट? बट सीरियलाइज्ड इन 1990, सीरियल फॉर्म में स्टार्ट हो गया था पब्लिकेशन. वर्ड्स पर फोकस किया करें, वर्ड्स गाइस. आपके एग्जाम में पूछा था गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन इन 1919, द ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड. सो गाइस आपके एग्जाम में जो पूछा था कि कौन कौन आपका गाइस 1919 में हुआ था, सो आंसर था वहां पर यस यस एंड यस.
थ्री ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके, एशर्सन एंड रीजन, सॉरी एशर्सन एंड एशर्सन क्यू, पी एंड क्यू दिया। दलित नैरेटिव टेंड टू बी रीड सिंगल डायमेंशनली एज इवोकिंग द रीडर्स पिटी एट द प्रोटोगनिस्ट कास्ट ह्यूमिलिएशन, और एज टेलिंग द स्टोरी ऑफ हीरोइक प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और एज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटोगनिस्ट राइज फ्रॉम मिजरी टू ड्रीम। There is a tendency to keep the other in space of difference as perpetually exotic. In the context of the assertion above, which one of the following statement is true? ये तो गाइस थोड़ा क्रिटिकल है, बड़ा सा क्वेश्चन है। P and Q are contradictory assertions, guys. Okay? And then see the next one option. So the next one option is C. This P and Q are compatible assertions. P Q cannot be read in relation to each other, and Q is only explanation for P. Correct answer. ये guys थोड़ा कठिन टाइप क्वेश्चन है, एक डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है guys, है ना? Yeah. ये क्वेश्चन बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, इट विल ऑलवेज टेक टाइम, और इसके लिए जरूरत होगी आपको पढ़ने की। द राइट आंसर ऑफ दिस वन क्वेश्चन गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू, 28 एंड 28 का जो गाइज आंसर है दैट इज बेसिकली बी, पी क्यू आर कंपैटिबल एशर्सन। गाइज कंपैटिबल मींस एग्जिट और ऑकर टुगेदर विदाउट प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट। सी दलित नैरेटिव टेंड टू बी रीड सिंगल डायमेंशनल, इवोकिंग रीडर्स पिटी एट द प्रोटैगनिस्ट कास्ट ह्यूमिलिएशन, राइट? मतलब जो भी दलित लिटरेचर है उस दलित लिटरेचर में एक चीज क्या देखने को मिलती है कि आप जब भी पढ़ेंगे तो उसका जो मेन कैरेक्टर है उसके लिए आपके अंदर पिटी होना चाहिए, एटलीस्ट जरूर होगी, सिंपैथी जरूर आए। या फिर आप कह सकते हैं टेलिंग द स्टोरी ऑफ हीरोइक प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई ना कोई प्रोटेस्ट कर रहा होगा अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, गॉट इट? यस। और एज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोटैगनिस्ट राइज फ्रॉम मिजरी टू ट्रिप, गॉट इट? प्रोटैगनिस्ट राइज फ्रॉम मिजरी टू ट्रिप, तो ये चीज तो आपको देखने को मिलती है। अच्छा, देर इज टेंडेंसी टू कीप द अदर इन द स्पेस ऑफ डिफरेंट एज परपेक्चुअली एग्जॉटिक, या गाइड सेंस ऑफ अदर जो आता है और एग्जॉटिक वाला जो सेंस आता है दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दलित लिटरेचर, and that's why both the option guys P and Q, so ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। गॉट इट? यस। सम ऑफ द रिसेंट नॉवेल्स ऑफ ब्राजीलियन राइटर पाउलो कोलो वर पब्लिश्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली और इमीडिएटली आफ्टर द पोर्टुगीज एडिशन। Which of the following is this phenomenon not an evidence of? Rebecca Walkowitz's argument that novels are often boon translated, the globality of marketplace for books, Paulo Coelho's expanding popularity, the nation as the sole frame for understanding literature. Not an evidence, guys. आपको ये सिलेक्ट करना है, not an evidence, guys. So go for it, guys, and right answer 29 वाला क्या होगा? 29, guys, right answer it must be D, guys. The nation as sole frame for understanding literature. The nation as the sole frame for understanding literature. देखिए guys, कोई भी nation या फिर कोई भी literature guys, it should not be bounded with rules and all, कि ये बाहर नहीं जा सकता basically, है ना? Yes. Rebecca Walkowitz, इन्होंने guys लिखा है bone translated, कि एक novel को translate किया जाना चाहिए मार्केटप्लेस, क्योंकि गाइस आजकल एमेजॉन एंड ऑल यू हैव डिफरेंट साइट्स एंड ऑल, जहां पर आप देखते हैं
कि नॉवेल्स ग्लोबली पब्लिश होते। पहले क्या होता था गाइस, नॉवेल्स एक किसी नेशन में पब्लिश होते थे। पाउलो कोएलो एक्सपैंडिंग पॉपुलरिटी। इवन गाइस मे बी कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इंडिया से हैं गाइस, और जो पाउलो कोएलो को फॉलो कर रहे होंगे कहां पर, फेसबुक पर। सो दिस इज ऑल्सो रीजन। दिस इज नॉट एन एविडेंस द नेशन एज द सोल फ्रेम फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। नहीं, मतलब कोई नेशन अगर गड़बड़ है तो आप ये नहीं कह सकते कि लिटरेचर उसका गड़बड़ हो सकता है, या कोई नेशन बहुत अच्छा है तो उसका लिटरेचर अच्छा हो सकता है, ये गारंटी नहीं। नेक्स्ट वन, नाउ सी मैच दी फॉलोइंग गाइस, यहां पर मैच करना है आपको। यस, लाइक मैच द ऑथर्स इन द फर्स्ट कॉलम विद देयर रेस्पेक्टिव ट्रांसलेटर इन द सेकेंड वन। माधवी कुट्टी, यू आर आनंद मूर्ति, इंदिरा गोस्वामी एंड नामदेव दशरथ। तो अब गाइज आपको यहां पर करना क्या है, जस्ट कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा काम है आपके पास, यहां पर आपको मैच करना है। या मैच द ऑथर्स इन द फर्स्ट कॉलम विद देयर रेस्पेक्टिव ट्रांसलेटर्स इन द सेकेंड कॉलम। सो गाइज आंसर क्या होगा, माधवी कुट्टी, सो हु ट्रांसलेटेड। आई थिंक देखिए यहां पर आप डायरेक्टली एक आंसर आपको बहुत ही डायरेक्टली आ रहा होगा गाइस, ये मैं ऑप्शन भी आपको शो कर देता हूं। यस, सो दीज आर द ऑप्शंस, एज यू कैन सी ये ऑप्शन है, थोड़ा सा गाइस छोटा कर दिया है मैंने, बट डोंट वरी, टेक योर टाइम। देखिए जैसे माधवी कुट्टी दिया हुआ है बेसिकली गाइस, है ना, माधवी कुट्टी यहां पर दिया है, एंड माधवी कुट्टी से आप डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि कौन हो सकता है इनका ट्रांसलेटर गाइस, है ना। माधवी कुट्टी आंसर होगा गाइज इसके लिए, मुझे लगता है कमला दास। यू आर आनंद मूर्ति गाइज, सो यू आर आनंद मूर्ति इज एसोसिएटेड विद ए के रामानुजन। इंदिरा गोस्वामी एंड नामदेव दशरथ, अगर इनकी बात करें गाइज, सो इंदिरा गोस्वामी इज एसोसिएटेड विद अरुणी कश्यप, जो जिन्होंने ट्रांसलेट किया, एंड नामदेव दशरथ दिलीप चित्रे। ये मैचिंग होगी, और ये लीजिए मैं गाइज आपको जूम किए दे रहा हूं, ये मैचिंग है आपके लिए, ये देख लीजिए। यस, दिस इज द मैचिंग जो आप चूज कर सकते हैं। कुछ नहीं गाइज, इसमें कहां अक्कड़ बक्कड़ करने की जरूरत है। देखिए माधवी कुट्टी, कमला दास, यू आर आनंद मूर्ति आपके यूजीसी एग्जाम में भाई आ चुका है, आपको नहीं पता। माधवी कुट्टी यानी कमला दास ने अपने वर्क्स को खुद ट्रांसलेट किया है ना, खुद ट्रांसलेट किया है, ये नहीं पता आपको, आपको पता होगा ये बात। यू मस्ट नोइंग कि माधवी कुट्टी यानी कमला दास और कमला सुरैया, सी ट्रांसलेटेड हर्सेल्फ। जैसे आप गिरीश कर्नाड की बात करें, गिरीश, सो गिरीश कर्नाड ने अपने वर्क्स को खुद ही ट्रांसलेट किया है ना, लाइक हैव अ नाइस डे। सो या, सो आंसर इज सी गाइस, ये सी ऑप्शन करेक्ट। ओके, प्रोसीड कीजिए नेक्स्ट वन पर आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर ट्रू अबाउट गाइल्स डेल्यूज एंड फेलिक्स गुटारीज कॉन्सेप्शन ऑफ माइनर लिटरेचर। द डिस्कशन फोकसेस ऑन राइटिंग ऑफ फ्रांस काफ्का। माइनर लिटरेचर इज लिटरेचर दैट माइनॉरिटी प्रोड्यूसेस इन मेजर लैंग्वेज। माइनर लिटरेचर इज फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर। माइनर लिटरेचर इज लिटरेचर इन अ माइनर लैंग्वेज। सो द राइट आंसर इज 31 का गाइस। देखिए यहां पर मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं गाइस, मल्टीपल ये दिया हुआ इंस्ट्रक्शन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं यहां पर, नो प्रॉब्लम। राइट आंसर इज गाइज ए एंड बी, डिस्कशन फोकसेस ऑन राइटिंग ऑफ फ्रेंच काफ्का एंड माइनर लिटरेचर इज लिटरेचर दैट अ माइनॉरिटी प्रोड्यूसेस इन अ मेजर लैंग्वेज। देखिए गाइज कई सारे लिटरेचर होते हैं, जैसे हमारे इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस गाइज वी हैव एंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ राइटिंग वी हैव गाइज, है ना। यस, सो माइनर लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद यू नो गाइज अ फोकस, अ पर्टिकुलर फोकस ऑफ राइटिंग एंड ऑल। Giles Deleuze and Felix Guattari, so both of them they focused on minor literature, literature of Franz Kafka,
एंड देन गाइज यू कैन सी लिटरेचर दैट वॉज रिटन इन यू कैन सी प्रोड्यूस बाय द माइनॉरिटी. यस, माइनर लिटरेचर इज लिटरेचर दैट इज अ माइनॉरिटी प्रोड्यूसेस इन मेजर लैंग्वेज, राइट? यस. सी द नेक्स्ट वन गाइज. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड गाइज, अब देखिए यहां पर आंसर करना है. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीद ऑफ ऑटम बींग दाउ फ्रॉम हूज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइविंग लाइक गोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर्स फीलिंग फ्लीइंग येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्राइक इन मल्टीट्यूड्स ओ दाउ हू चैरियटेड टू देयर डार्क विंट्री बेड. अब इसके लिए देखिए आंसर कहां से गए, या आंसर आ जाते हैं. देखिए बेसिकली कोट, ओ गोल्डन टंग रोमांस विद सिरिन ल्यूट फेयर प्ल्यूम्ड सायरन क्वीन ऑफ फार अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. देखिए गाइस दो यहां पर कोट दिया है, कोट प्यू सॉरी कोट पी एंड कोट क्यू, दो है पी एंड क्यू गाइस. अब इन पी और क्यू में से आपको आंसर चूज करना है. देखिए यहां पर क्वेश्चन है, बोथ कोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एपोस्ट्रॉफी गाइज. यहां पर देखिए क्या एपोस्ट्रॉफी दोनों में है. प्लीज, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीद ऑफ ऑटम स्वीन गाइज, क्या यहां पर कोई एपोस्ट्रॉफी है, मार्क ऑफ एपोस्ट्रॉफी? इफ आंसर इज यस गाइज, सो देन हो सकता है कि भाई एपोस्ट्रॉफी है. सो यस एपोस्ट्रॉफी इज देयर. कैसे गाइज? देखिए क्योंकि यहां पर ओ एड्रेस किया गया है और यहां पर भी गाइस आप देख सकते हैं ओ यहां पर भी एड्रेस किया गया है, मींस अपोस्ट्रॉफी इज देयर. बोथ कोट्स यूज एलिटरेशन. मुझे लगता है गाइस एलिटरेशन नहीं, क्या कोई यहां पर एक रिपीटेशन आपको मिलती है गाइस सेम कॉन्सोनेंट्स की? रिपीटेशन तो यहां पर नहीं है, सो दैट्स व्हाई गाइस हम इसे कट कर देंगे. बोथ कोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ अपोरिया, सो बोथ कोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ अपोरिया. लेट मी चेक गाइज कि क्या यहां पर कोई ऐसा दिया हुआ है अपोरिया टाइप. सो देन माई आंसर इज गाइज अपोरिया मतलब होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. अपोरिया मीन्स स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लाइक टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज नोन एज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. मुझे नहीं लगता गाइस यहां पर कोई कंफ्यूजन है, सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर दिख रही है. क्लियर? अच्छा, बोथ कोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ परसोनिफिकेशन. यस, परसोनिफिकेशन इज देयर. ओ गोल्डन टंग रोमांस विद सीरियन ल्यूट फेयर प्ल्यूम्ड सायरन क्वीन ऑफ फार अवे गाइस, ये जो कोट है सो ये कोट एड्रेस कर रहा है किसी को, परसोनिफाइड कर रहा है. सो दो फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रॉफी एंड पर्सोनिफिकेशन. नो इलिटरेशन, नो अपोरिया. ठीक है? यस. नेक्स्ट वन सी गाइज, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है ये आपके लिए. सो दिस इज प्रोलैप्सिस इज द रिप्रेजेंटेशन और अजम्पशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर एक्ट और डेवलपमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर Not instances of prolapses. So guys, इसमें से कौन सा prolapses का example नहीं है? 33 guys. Question number 33. And yes, which among the following is not example of prolapses? देखिए, assumption in the present of a future act or development. देखिए समझिएगा guys. ये question बहुत अच्छा है और बहुत देखिए tricky है. प्रोलैप्सिस मीन्स अजम्पशन इन द प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट में कोई अज्यूम कर लेता है कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना? और इसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको कराया था, होराशियो आई एम डेड गाइस. यस, होराशियो आई एम डेड मैंने आपको बताया था. सो कौन सा इसका इंस्टेंस नहीं है? देखिए गाइस, होराशियो आई एम डेड विलियम शेक्सपियर हैमलेट, हैमलेट की डेथ नहीं हुई थी और हैमलेट कह रहा था कि मेरी डेथ हो चुकी है. सो गाइस ये क्या है? अजम्पशन इन द प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर. सिक्स डिकेड्स लेटर सी वुड डिस्क्राइब हाउ एट द एज ऑफ 13 सी हैड रिटन गाइस. सी सिक्स डिकेड्स लेटर मतलब 6 डिकेड्स बाद सी वुड डिस्क्राइब, वो जरूर बताएगी हाउ एट एज ऑफ 13 सी हैड रिटन.
कि वो कैसे उसने लिखा था उन चीजों को। गाइस तो देखिए प्रेजेंट में फ्यूचर मिल रहा है ना आपको। यस आगे देखिए, इन माई यंगर एंड मोर वल्नरेबल इयर्स माई फादर गेव मी सम एडवाइस दैट आई हैव बीन टर्निंग ओवर इन माई हेड ओवर एवर सिंस, एफ स्कॉट फिट्ज़जेराल्ड। देखिए इन माई यंगर एंड मोर वल्नरेबल इयर्स, गाइस ये देखिए पास्ट को याद कर रहा है, पास्ट गाइस जहां पर पास्ट के लिए कोई प्लेस नहीं है प्रोलेप्सिस में, मींस ये सही नहीं है, और जो सही नहीं है गाइस नॉट, सो आंसर इज सी। देखिए आगे वाला ऑप्शन भी देख लीजिए, मैनी इयर्स लेटर एज ही फेस द फायरिंग स्क्वाड कॉलोनल ऑरेलियानो बोलिंदिया वॉज टू रिमेंबर दैट डिस्टेंट आफ्टरनून व्हेन हिज फादर टुक हिम टू डिस्कवर आइज गैब्रियल गार्सिया मार्केज। सो मैनी इयर्स लेटर एज ही फेस द फायरिंग स्क्वाड कॉलोनल ऑरेलियानो बोलिंदिया वॉज टू रिमेंबर, फ्यूचर इंसिडेंट। ओके यस, सो इन प्रेजेंट टाइम पीरियड में गाइस फ्यूचर इंसिडेंट। यस देन सी द नेक्स्ट वन, आ जाते हैं गाइस हम लोग नेक्स्ट वन पर। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक कैन द सबल्टर्न स्पीक प्रपोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ने गाइस, ओके यस, कैन द सबल्टरन स्पीक, द वॉइस ऑफ द सबल्टरन इज अप्रोप्रिएटेड बाई इंटेलेक्चुअल्स डिजायरिंग टू स्पीक फॉर द सबल्टरन। इट इज इजी टू कंफ्यूज राइटिंग अबाउट द सबल्टरन विद द सबल्टरन स्पीकिंग फॉर हर सेल्फ। गाइस गॉट इट, ऑल वुमेन आर सबल्टरन एंड देयर फोर कैन नॉट ट्रूली स्पीक, द इंटेलेक्चुअल स्पीकिंग फॉर द सबल्टरन एंड द सबल्टरन स्पीकिंग फॉर हर सेल्फ कैन बी इक्विवेलेंट। सो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक ऐसे कैन द सबल्टर्न स्पीक प्रपोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग, देन आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गाइस यू नो ए एंड बी बोथ, द वॉइस ऑफ द सबल्टर्न इज अप्रोप्रिएटेड बाई द इंटेलेक्चुअल्स डिजायरिंग टू स्पीक फॉर द सबल्टर्न, फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज इट इज इजी टू कंफ्यूज राइटिंग अबाउट द सबल्टर्न, बहुत इजी है गाइस की मतलब आप समझ लीजिए सबल्टर्न के बारे में, विद द सबल्टर्न स्पीकिंग फॉर द हर्स फॉर हर सेल्फ, और बाकी ये गाइस ये तो एसोसिएटेड नहीं है विद गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। सबल्टर्न मींस होता है गाइस यू नो सब, सब मींस क्या होता है जो डिपेंडेंट, ओके लाइक सब इंस्पेक्टर एंड ऑल है ना सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिक्शन, मेटाफिक्शन का कौन सा एग्जाम्पल है। ईच चैप्टर इन अ नॉवल इज नैरेटेड बाई डिफरेंट कैरेक्टर, द रीडर इज अ कैरेक्टर इन द नॉवल हु इंटरप्ट्स द स्टोरी बिकॉज ही रियलाइजेस दैट ही इज रीडिंग एन इनकम्प्लीट टेक्स्ट, द नैरेटर ऑफ द नॉवल ट्रेवल्स इन टू द वाइल्ड एंड इनकाउंटर्स अ मैन हु एम्बॉडीज द हॉरर्स ऑफ कॉलोनियल पावर, द लेटर देन प्रोसीड टू टेल हिज स्टोरी, एंड देन सी द फोर्थ वन इज कैरेक्टर इन अ नॉवल इनकाउंटर्स अ शैबली ड्रेस्ड मैन, सून दिस मैन लेट्स अस द रीडर्स नो दैट ही इज ऑथर ऑफ द नॉवल एंड कंप्लीटिंग सॉरी कंटेम्पलेटिंग द फ्यूचर ऑफ दिस कैरेक्टर। सो 35 गाइस करेक्ट आंसर। बेसिकली देखिए आप जो आपका मेटा फिक्शन होता है, तो मैंने आपको बताया था गाइस मेटा फिक्शन क्या होता है ऐसे समझिए, मेटा फिक्शन है ना गाइस, जैसे मेटा नैरेटिव होता है मतलब मेटा मतलब होता है मल्टीपल एंड फिक्शन सो मतलब गाइस कहानी स्टोरी व्हाट एवर इट इज। अब इसको देखिएगा, ईच चैप्टर इन नॉवल इज नैरेटेड बाई डिफरेंट कैरेक्टर, देखिए ये गाइस कोई जरूरी नहीं मैं आपको बता है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि उसको डिफरेंट नैरेटर नैरेट करेंगे, फिक्शन विद इन फिक्शन जैसे गाइस फिक्शन विद इन फिक्शन दैट इज, जैसे कि मान लीजिए कोई वर्क है और उस वर्क में किसी अदर वर्क का रेफरेंस दैट इज मेटा फिक्शन, द रीडर इज अ कैरेक्टर इन द नॉवल हु इंटरप्ट्स द स्टोरी बिकॉज ही रियलाइजेस दैट ही इज रीडिंग एन इनकम्प्लीट स्टोरी टेक्स्ट,
क्यों गाइस? क्योंकि उसे इसके बारे में नॉलेज नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्क है और कोई वर्क आपको दे दिया जाए पढ़ने के लिए, वहां पर मेटा फिक्शन हो गाइस। मेटा फिक्शन आई मीन व्हाट? मेटा फिक्शन गाइस आई मीन कि वहां पर चीजें जो है डिफरेंट टाइप से आपके साथ कनेक्टेड हो, कोई रेफरेंस दिया हो डायरेक्टली, आप नहीं समझ पाए। ओके, द नैरेटर ऑफ द नॉवल ट्रेवल्स इन टू द वाइल्ड एंड इनकाउंटर्स अ मैन हु इम्बॉडीज द हॉरर्स ऑफ कोलोनियल पावर। नहीं नहीं गाइस, ये कोलोनियल पावर यहां से गड़बड़ हो जाती है। अ कैरेक्टर इन अ नॉवल एनकाउंटर्स अ शैबली ड्रेस्ड मैन, सून दिस मैन लेट्स अस द रीडर नो दैट ही इज द ऑथर। सो गाइस देखिए, उसमें क्या होता है कि हमें पता चलता, ओ दिस इज द इंसिडेंट फ्रॉम ऑथर्स लाइफ और एनी अदर वर्क और गाइस एनी रेफरेंस फ्रॉम अदर नॉवल ऑफ द ऑथर, दैट इज नोन एज मेटा फिक्शन। और गाइज यू नो, यस मेटा फिक्शन, जहां पर फिक्शन के अंदर गाइज एक आपको फैक्चुअल स्टोरी भी मिल जाती है, रियलिस्टिक एंड रेफरेंसियल, सो हमें समझ में नहीं आती सब कभी कभी। नेक्स्ट वन, चूज वन और मोर ऑप्शंस फ्रॉम बिलो। इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म एज। सो गाइज देखिए, जो आपके गेट का एग्जाम है ना, सब गेट के एग्जाम में एक चीज तो क्लियर है कि देखिए यहां पर मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस गाइस, है ना? यस। नाउ रिजेक्ट्स द आइडिया दैट हिस्ट्री इज एन ऑब्जेक्टिव नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अनफोल्डिंग इन लीनियर टाइम, डज नॉट मेक स्ट्रिक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट, टेक्स अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन टेक्सुअलाइजेशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, टेक्स हिस्ट्री ओनली टू बी बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी टेक्स्ट। आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइज 36, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज बेसिकली एक्सेप्ट डी, ऑल आर करेक्ट गाइज। टेक्स हिस्ट्री ओनली टू बी बैकग्राउंड, नो नो गाइज, यस। डज नॉट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन लिटरेरी एंड नॉन लिटरेरी टेक्स्ट गाइज, ओके, न्यू हिस्टोरिसिज्म चलेगा, टेक्सुअलाइजेशन इट्स ओके। सो दीज थ्री आर करेक्ट वन, ओके गाइज, ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट, गॉट इट? यस। नेक्स्ट वन, सो दिस इज द क्वेश्चन गाइज, ये तो बड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है और काफी जबरदस्त लग रहा है। द फेमिनिस्ट इंसिस्टेंस दैट द पर्सनल इज पॉलिटिकल हैज हैड प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन अदर जानवर। फेमिनिस्ट एकेडमिक्स इन सेवरल डिसिप्लिन्स नाउ इंसिस्ट दैट द सब्जेक्टिव एलिमेंट मस्ट नॉट बी फेल्ट आउट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ रिसर्च मेथड्स सच एज इंटरव्यू और ऑफ थियरीज ऑफ नॉवल प्रोडक्शन। गाइज ये एक वर्क से है बेसिकली और बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, रियली आपको भी लग रहा होगा कि बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। यस सी दैट ऑप्शन देखें आप, और ऑप्शन देखने के बाद आप राइट आंसर चूज कर सकते हैं। द पैसेज आर्ग्यूज दैट इंटरव्यूज एंड थियोरीज ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च मैथड। नहीं भाई, टॉकिंग अबाउट यू नो सच एज इंटरव्यू और थियोरीज ऑफ नॉलेज प्रोडक्शन, यस मस्ट नॉट बी लेफ्ट आउट ऑफ द प्रैक्टिस गाइड। सो देखिए यही वाला इनकरेक्ट हो गया पहली बार। ओके, द पर्सनल इज पोलिटिकल इज अ फेमिनिस्ट आर्गूमेंट, सी द पर्सनल इज पॉलिटिकल, चलिए ठीक। देन सी द नेक्स्ट वन, स्किड्स मैनार्ड पुरवेस एंड रेन हार्ट आर नेम्स ऑफ फेमिनिस्ट स्कॉलर। ये गाइस जब यहां पर लिखा ही हुआ है सो हमें कहने में हाँ क्या जाता, कुछ भी नहीं जाता। द पैसेज आर्ग्यूज दैट द सब्जेक्टिव कैन लिस्ट में बी पार्ट ऑफ रिसर्च मैथड, सी गाइस has profound effect on the other gender. Feminist academics in several discipline now insists that subjective element must not be left out of the practice. Subjective can legitimately be part of research method. Yes, it can be. So passage पर based answer करना था, easy था लेकिन खतरनाक बड़ा लग रहा था। In the beginning ऐसा लग रहा था कि आंसर कर पाना थोड़ा कठिन होगा, बट गाइस सी कि देखिए बहुत इजी आंसर आपके लिए दे दिया। यस दीज थ्री आर करेक्ट और ये इनकरेक्ट है गाइस, और इनकरेक्ट वाला बेसिकली इसे आप इनकरेक्ट आप चूज करेंगे तो गाइस इसका आंसर नहीं करना, थ्री ऑप्शन आपको आंसर करना।
ना, आर यू डार्क आर वेरी लाइट? रेवोल्यूशन केम, यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट? देखिए गाइस, ये पोयम की लाइंस है बेसिकली, दीज आर द लाइंस फ्रॉम अ पोयम। इन वॉल्स और इनका टेलीफोन कन्वर्सेशन, ये लाइन कहां से है गाइस? टेलीफोन कन्वर्सेशन से। बेसिकली देखिए, यहां पर पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन है, इस पैसेज बेस्ड आपको जब भी टाइम मिले जरूर पढ़िएगा। यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट, हर एसेस्ट वॉज क्लिनिकल क्रशिंग इन लाइट। तो देखिए, सबसे पहले ये पढ़ लीजिए, डिस्क्राइबिंग ब्लैक एज अ स्पेक्ट्रम एज अपोज टू सिंगल कलर, बीइंग द सुपर सब सर्वियंट ब्लैक मैन हु कंसेंट्स टू हर डेफिनेशन ऑफ रेस, लोकेटिंग रेस स्क्वायरली इन हर वेज ऑफ सीइंग एंड फ्रेगमेंटिंग द रैशनलिस्ट बॉन्ड। आप गाइज इस पूरे पैसेज को पढ़िएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आपको जब भी टाइम मिले, मैं गाइज इसे टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा इस पेपर को, है ना? सो यस, देखिए इसका जो राइट आंसर है, बेसिकली राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर गाइज 38, सो द राइट आंसर ऑफ दिस वन इज ए सी एंड डी। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। और ये पता कैसे चलेगा? प्लीज एक बार पैसेज पढ़िएगा ढंग से, ये करेक्ट नहीं। मैं गाइज ये आंसर की से आपको बता रहा हूं बेसिकली। इन आर्थर कॉनन डायल राइटिंग्स फीचरिंग शर्लॉक होम्स एज इज द केस विद मच ऑफ 19th century ब्रिटिश फिक्शन, कॉलोनियलिज्म अपीयर्स एज ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स एनिमल प्लेसेस फियर्स एंड डिजायर, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स दिस क्लेम? ओपियम डेंस इन लंडन फ्रीक्वेंटेड बाय होम्स, द वॉर इन विच वेस्टर्न सर्व्स एज अ डॉक्टर, द हाउंड इन द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स, द पेट एनिमल इन द एडवेंचर ऑफ स्टिकल द पैन। अब देखिए गाइज, इसका आंसर रियली जो है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप कॉनन डायल के वर्क्स पढ़े। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज गाइज वंस मोर यू कैन सी ए ओपियम डेंस इन लंडन फ्रीक्वेंटेड बाई होम्स गाइज, है ना? एंड देन यू कैन सी द वॉर इन विच वेस्टर्न सर्व एज डॉक्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड डी ऑप्शन वंस मोर गाइज, द पेट एनिमल एडवेंचर ऑफ स्पिकल एंड द हाउंड इन द हाउंड ऑफ बास्करविल्स गाइज सी। सो शरलॉक होम्स एज इज केस विद द मच ऑफ 19th century ब्रिटिश फिक्शन एंड कोलोनियलिज्म अपीयर। सो देखिए, इनमें कोलोनियलिज्म है बट इन दिस वर्क नो। कैसे पता चलेगा? आपको वर्क्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी भाई। एंड द लास्ट वन क्वेश्चन गाइस 40, माई पापास वॉल्स बाई थियोडोर रॉथ, द विस्की ऑन योर ब्रीथ कुड मेक ए स्मॉल बॉय डिजी बट आई हंग ऑन लाइक डेथ, सच वॉल्सिंग वॉज नॉट इजी एंड सी वी रोम्ड। ये पूरी की पूरी गाइस देखिए पोएम है इतनी लंबी। एंड आपको गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जर्व अबाउट दिस पोएम? द फॉर्म ऑफ ए पोएम दैट ऑफ द पैट्राकन सोनेट, इज इट सो गाइस? तो मुझे तो नहीं लगता। पैट्राकन सोनेट देखिए, पैट्राकन सोनेट मीन्स 8 + 6। यहां पर तो गाइस देखिए लाइंस आपको 4 4 एंड देन 4 एंड देन यू कैन सी गाइस 6 लाइंस, है ना? सो कहां पैट्राकन पैटर्न है? नो पैट्राकन पैटर्न। देयर इज अ सिमिली इन द फर्स्ट स्टेंजा। अच्छा देखें गाइस, क्या सिमिली है? हाँ, हंग ऑन लाइक डेथ, यस सिमिली इज देयर, सही। इमेजेस इन द लास्ट टू स्टेंजा सजेस्ट दैट द फादर इज अ वर्किंग क्लास मैन, फादर इज अ वर्किंग क्लास मैन। लास्ट वन, यू बीट टाइम ऑन माई हेड विद अ पाम केक्ड हार्ड बाई डर्ट। देखिए गाइस, डर्ट हार्ड केक्ड हार्ड हार्ड देन वॉल्ड्स मी ऑफ टू द वेब स्टिल क्लिंगिंग टू योर शर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑब्जर्व? सो गाइस देखिए, यहां पर आप देख लीजिए लास्ट, ये गाइस जो डर्ट एंड ऑल है सो ये वर्किंग की तरफ इंडिकेट करती है। सो द आंसर इमेजेस इन द लास्ट टू स्ट्रेंजर सजेस्ट दैट फादर इज के वर्किंग क्लास मैन। यहां पर भी देख लीजिए, द हैंड दैट हेल्ड माई रिस्ट वॉज बैटर्ड ऑन वन नकल्स, एट एवरी स्टेप यू मिस्ड
माई राइट ईयर स्क्रैप अ बकल। सो गाइज नकल से यहां से पता चलता है कि यस दोज हैंड नॉट सो गुड। द पोयम इज अ इज इन राइमिंग कपलेट्स। गाइज देखते हैं राइमिंग कपलेट है या नहीं। द हैंड दैट हेल्ड माई रिस्ट एंड वॉज बैटर्ड ऑन वन नकल। गाइज देखिए रिस्ट एंड नकल एंड देखिए रिस्ट एंड मिस्ट। देखिए यहां पर अगर ये अगर राइमिंग करता ये राइमिंग करता तो कपलेट होता। नॉट राइमिंग सो नो नो गाइज मैचिंग। इसीलिए बी एंड सी करेक्ट आंसर है। ये दोनों करेक्ट नहीं। मल्टीपल ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सो ये पेपर था आपका गेट एग्जाम वाला जो थोड़ा डिफरेंट पैटर्न में आता है। देखिए एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए ऑल द स्टूडेंट्स है ना। एट द एंड ऑफ द क्लास आई वुड लाइक टू से कि प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट एंड ऑल। एंड एक और चीज अगर आप UPSESC एक और मैं आपको बात बताने वाला हूं बहुत अच्छी लगेगी आपको। यूजीसी नेट है ना यूजीसी नेट JRF या फिर UPTGT and PGT UPTGT और UPPGT ये कोर्स गाइज मेरे अवेलेबल हैं आपके लिए। आपको मैसेज करना है 9125090515 पर रिगार्डिंग डिटेल एंड ऑल कि सर क्या डिटेल है इनका क्या चार्जेस एंड ऑल। इस व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली आप उसे मैसेज कर सकते हैं। अब बात आती है गाइस कि जो पैटर्न है आपके गेट का सो क्या ये इजी है। सो माय आंसर इज गाइस आपको गेट का एग्जाम पेशेंस के साथ यस पेशेंस के साथ देना है। रीडिंग आपकी बहुत केयरफुली होनी चाहिए ओके। इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन आपको याद रखने की जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस को सो दैट यू कैन इजीली आंसर है ना। इंस्ट्रक्शन मस्ट रिमेंबर। और साथ साथ गाइस अब पूछेंगे कि क्या सर जो हम UGC की प्रिपरेशन करते हैं तो वो मतलब ठीक रहेगा या फिर कोई है जो आपको प्रिपरेशन प्रोवाइड कर दे। बाई द वे इफ यू आर रेडी टू ज्वाइन क्लासेस फॉर गेट एग्जाम सो देन मैं एक आपको लास्ट चीज सजेस्ट कर दूं बड़ी अच्छी बात है। देखिए ब्रिटिश लिटरेचर अमेरिकन लिटरेचर इंडियन लिटरेचर से जो क्वेश्चन आएंगे आप ज्यादातर आंसर कर लेंगे। बट दिस इज ऑल अबाउट न्यू लिटरेचर पैसेज न्यू लिटरेचर एंड एनालिटिकल क्वेश्चन। इसीलिए आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत पड़े। यूजीसी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं ओके विद कॉम्बिनेशन लाइक ए एन बी बी एन सी सी एन डी। यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं आप मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। गॉट इट। मल्टीपल ऑप्शन वही है लाइक ए एन बी बी सी डी एन सो उसके लिए कॉम्बिनेशन होना चाहिए बट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ना। सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं गाइस ओके। अब मिलेंगे बाकी गाइस अगली क्लासेस में और अगली क्लासेस में हमारी मुलाकात होगी काफी सारी बातें करेंगे। नेक्स्ट डे गाइस कुछ अच्छा है ना अनाउंसमेंट लेकर के आऊंगा बिकॉज टीचर्स डे है। सो गुड नाइट गाइस एंड टेक केयर। और अगर आपको लगे कुछ तो जरूर आप वॉच करते रहिएगा। बाकी गाइज लास्ट टाइम आपसे एक रिक्वेस्ट सब्सक्राइब एंड यू कैन शेयर द लिंक ऑफ द वीडियो ऑन योर स्टेटस। Bye guys and take care on your status Facebook wherever guys जहां पर भी आप लोग